That's my channel and I'm back with another vlog. And मैं फिर से आ गई हूँ मेरे जैसे foodies के लिए एक नया destination लेके and एक नए जगह को explore करने, जिसकी आज ही opening है. So आज है 16th of November and आज मैं पहुँच गई हूँ foodies के लिए एक नए जगह को explore करने. Specially अगर आप लोग को pizza पसंद है, burgers पसंद है, तो उसके लिए. And जिस जगह पे पहुँची हूँ उसका नाम भी है Pizza Holic. सो नाम से ही आपको पता चल गया कि ये पिज़्ज़ा लवर्स के लिए है. सो ये सबसे पहले बताती हूँ है कहाँ पे. ये लक्ष्मी चौक में ब्रिज बिहारी गली के जस्ट अपोजिट है. वैसे सारा एड्रेस, मैप लोकेशन एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो जरूर चेक कीजिएगा. एंड वैसे तो नाम है पिज़्ज़ा होलिक, बट पिज़्ज़ा के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आज ओपनिंग है, सो नीचे में लाइव शो चल रहा है, कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं. सो पहले हम उसको कवर करते हैं, फिर इस इंटीरियर को कवर करेंगे, हम पिज़्ज़ा भी टेस्ट करेंगे और मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी. सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस आपने नीचे का भी देख लिया है एंड आप लोगों को उससे आइडिया भी लग गया होगा कि ये कहाँ पे है. और अब हम ऊपर में आ गए, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे इसका आउटलेट खुला है. एंड यहाँ पे है एंट्रेंस. एंड जैसे ही आप लाइक यू नो एंट्री के पास पहुँचेंगे, यहाँ पे देखेंगे नियॉन लाइट से बना हुआ है पिज़्ज़ा होलिक, जो कि एक तरह का सेल्फी पॉइंट हो सकता है. इसके इधर भी आप देखेंगे एक छोटा सा सोफा लगा हुआ है बैठने के लिए. एंड अब हम अंदर चलते हैं और पूरे इंटीरियर को कवर करेंगे. सो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आज ओपनिंग है, तो काफ़ी सारे कस्टमर्स आए हैं और सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है. सो मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप बैठी हुई है. सो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम. हेलो गाइज, आप लोग अपना अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम करण है. आई एम कुमार. अमन कुमार. अमन. ओके. सो आप लोग कहाँ, यही लोकल है? सो आप लोग ने फूड टेस्ट किया, पिज़्ज़ा खाया, कैसा लगा आपको? अच्छा है, मतलब आप लोग कस्टमर अब रेगुलर होने वाले हैं यहाँ के. और प्राइस वाइज कैसा लगा आपको? अच्छा है. इंटीरियर भी देख लिया एंड काफ़ी स्पेशियस है. आराम से यू नो एक फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर सकते हैं और अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हैं. और मैं मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर है और जिनका है ये सुमित जी, वो भी यहीं पे है. ये है यहाँ के ओनर और आज ही इन्होंने इनकी ओपनिंग की है. एंड यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेन्यू लगा हुआ है, वैसे मेन्यू कार्ड भी रहेगा. एंड सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी वो कि ये है कि पिज़्ज़ा तो है, बट पिज़्ज़ा का जो प्राइस स्टार्टिंग रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक पॉकेट फ्रेंडली है. स्टार्टिंग है 49 रुपीज़ से, जो कि आई डोंट थिंक कि हमारे मुजफ्फरपुर में कहीं पे भी इतने कम दाम में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा. एंड जैसे मैंने बताया कि पिज़्ज़ा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्गर हैं, बहुत कुछ है. सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए अभी हम यहाँ पे लाइक लाइव पिज़्ज़ा बनता है, तो पिज़्ज़ा बनते हुए भी दिखाएंगे एंड टेस्ट करके अपना रिव्यू भी देंगे. दिखा दिया मैंने एंड ये प्रोसेस लाइक कैसे बनता है वो भी मैंने दिखाया. हमारे सामने लाइव ये पिज़्ज़ा बना है. सो जो मैं पिज़्ज़ा भी टेस्ट करने वाली हूँ वो है वेजी डिलक्स. एंड इसमें सारे टॉपिंग्स लाइक सब कुछ है इसमें. मशरूम है, ब्लैक ऑलिव है, कैप्सिकम है, पनीर है, सब कुछ है. सो टेस्ट करते हैं. ये मेरा पहला दिन है क्योंकि आज ओपनिंग है, सो टेस्ट करके मैं बताती हूँ. एंड जैसा मैंने बताया था गाइज, ये पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बताया मैंने स्टार्टिंग में कि लाइक 49 से यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो स्टार्ट होता है. इसका बेस थिन है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम ही जगह यहाँ पे पिज़्ज़ा ऐसे मिलते हैं जिसका बेस थिन होता है.
पिज़्ज़ा यहाँ पे लाइव बनाए। इनका सबसे अच्छी बात यह है कि इनका बेस जो है वो यहीं पे बनता है, वो ऐसा नहीं कि रेडीमेड पहले से बना हुआ बेस है। बाकी बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि बेस पहले से ही रहता है, वो रेडीमेड बेस के ऊपर से बस सॉसेस लगा के कर देते हैं। सो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। एंड इनका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, एंड जो चीज़ है एंड सॉस है एंड हर एक चीज़ जो टॉपिंग्स दी गई है उस सब के फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं। सो यस, वेज नॉन वेज दोनों में ही है। पिज़्ज़ा के अलावा बर्गर्स, फ्राइज, साइड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कुछ है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं जो ट्राई कर रही हूँ वेजी डिलक्स है, इसमें सब कुछ टॉपिंग्स हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग एंड प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड यस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, लाइक कॉम्बो ले सकते हैं आप, लाइक एक बार में अगर दो लेते हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज, लार्ज साइज़ लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिज़्ज़ा स्मॉल साइज़ 99 का मिलता है, तो अगर आप दो लेते हैं तो 149 का मिल जाएगा। दैट मीन्स सीधा सीधा 50 रुपीज़ आपका लेस हो रहा है। उसी तरह से मीडियम एंड लार्ज के सबके लिए यू नो ऑफर्स है। सो जल्दी फटाफट से आइए, मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करती हूँ और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइज, सब कुछ तो मैंने बता दिया, लाइक इंटीरियर भी दिखा दिया आप लोगों को, एड्रेस भी बता दिया, मैंने अपना फूड भी रिव्यू दे दिया। सो चलिए इस वीडियो को एंड करने वाले हैं, बट इस वीडियो को एंड करने से पहले ये जिनका है उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इसको खोलने के पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले आपका चैनल, हमारे चैनल पे वेलकम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित सिद्धार्थ। सो इसको ओपन करने के पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली मुजफ्फरपुर में पिज़्ज़ा तो सर्व होता है, बट वैसा एक तो रेट ज़्यादा हाई होता है, और ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो पाता है। तो पिज़्ज़ा पसंद करने वाले लोग तो हैं, बट वो बिल अमाउंट पे करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैंने किया कि मैं फ्रेंचाइजी वगैरह लेने की जगह पे मैं खुद का अपना एक स्टार्टअप करता हूँ। दैट मींस ये जो पिज़्ज़ा हॉलिक नाम है, वो मेरा खुद का है, वो मेरा खुद का है। तो ये नाम और ये जो मेरा जो मर्जी आएगा मैं उस रेट में यहाँ बेच सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए, एक्चुअली ये स्टूडेंट्स या पॉकेट फ्रेंडली लोगों के लिए ऐसा किया है कि आपको यहाँ 49 से स्टार्ट हो जाएगा, आपको 75 में पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा आप खाओ और यहाँ कोजी प्लेस से अच्छे से आराम से आके बैठ सकते हैं। पिज़्ज़ा हॉलिक नाम से पता है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी, यहाँ तक कि मैगी भी हमने रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को मैगी भी पसंद होता है। तो और चिकन बकेट्स है, वेज नॉन वेज दोनों सब कुछ है, वेज नॉन वेज सब कुछ है। अगर कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आओ, आप टेस्ट करो, अगर आपको टेस्ट बेस्ट नहीं लगता है, वैसे आपने तो टेस्ट किया है तो आपने खुद ही कुछ तो रिव्यू दिया होगा, तो टेस्ट हमारा बेस्ट है, क्योंकि हमने टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ना हमने किसी भी आइटम में कोई भी चीज़ हमने ऐसा नहीं किया है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करके लेस किया। चलो अपने पॉकेट से जाए, अगर ऐसा भी होता है तो टेस्ट को अच्छा देना, क्योंकि हम खुद ही फूडी है, तो फूडी लोग ऐसा होते हैं ना कि उनको टेस्ट पसंद होता है, रेट्स हर चीज़ नहीं होता है, कुछ लोग रेट कम करके टेस्ट खराब दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितना चीज़ यूज़ हो रहा है ना, मोज़रेला चीज़ हो रहा है जो कि बेस्ट होता है, तो कहीं पे भी कोई भी नॉर्मल चीज़ यूज़ करके नहीं बना रहे, हमारा बेस खुद का बना हुआ है। तो हमारा है कि बढ़िया टेस्ट देना और रेट कम। थैंक यू बात करने के लिए। सो गाइज, ओवरऑल सारा कुछ हमने पता कर लिया, पता चल गया कि इसको खोलने के पीछे क्या रीज़न है। सो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आइए, टेस्ट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।